الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه सामईन मुख्तरम अल्लाह रब रहमान दी हमदो सना जो पूरी कायनात दा खालिक मालिक दाता और दस्तगीर बेशुमार ला तादाद अनगिन दरूद व सलाम इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया आमिना दिलाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी। मुहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, वाजिबुल एहतराम, वाजिबुल कदर मेरी इस्लामी माओ और बहनों, अज़ीम शान तबलीगी इस्लाही प्रोग्राम भाई अब्दुल रज़ाक साहिब ओना दे बेटे हाफिज मोहम्मद साइम के जिन्होंने अल्लाह दी तौफीक खास दे नाल रब्बुल आलमीन दी अता करदा हिम्मत और तौफीक ना अल्लाह ने हाफ़िज़ कुरान बनाया। वालिदैन यकीनन मुबारकबाद दे मुस्तहक़ ने। अल्लाह सानू ते साडियां औलादां नू अपनी रहमत ना दीनदार बनाए। मैं बड़े ही अदब एहतराम दे नाल अपनी माओ बहनों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खामोशी इख्तियार करे, वरना गौरों को चली जाए, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ बैठने का। ये कोई शादी का प्रोग्राम, मेहंदी का प्रोग्राम नहीं है। मैं फिर दरख्वास्त करना चाहता हूँ, औरतों से ऊंची आवाज़ ना आए और इंतज़ामिया को मुत्तले करना चाहता हूँ, ज़रूर उनसे दरख्वास्त करें, वरना औरतों को छुट्टी दे दें, घरों में चले जाए। ये कुरान पढ़ा जा रहा है, पैगंबर का फरमान सुनाया जा रहा है, आप खामोशी इख्तियार नहीं कर रही। बहुत अजीम शान और अजीम मौके ते ए प्रोग्राम अल्लाह दी रहमत ना इनेकाद पजीर है। मेरे बड़े ही काबिल साद एहतराम कारी मोहम्मद नफीस साहिब और मेरे बाद खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रज़ाक ताहिर साहिब जमात के अजीम मुबल्लिग और अजीम खतीब ने उन्हां दा खिताब होने वाला है। मैं तुसा अहबाब और उलमाए किराम के दरमियान ज़्यादा देर तक हाई नहीं रहांगा। कुरान पाक की अजमत, कुरान पाक दा शान, कुरान मजीद दी रिफात और बुलंदी बहुत ज़्यादा है। कुरान पढ़ना भी बायसे सद इफ्तिखार और रहमत है। कुरान सुनना और सुनाना भी बहुत बड़ी सआदत है। इस वास्ते मुकम्मल यकजहती, कामिल इस्तिगराक, हमातन गोश बन के अल्लाह दा कुरान सुनो और मदीने वाले मुस्तफ़ा दा फरमान सुनो। इतनी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब कि इस कुरान पाक दा पढ़ना भी बहुत बड़ी सआदत है। कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब है और ये किताब सारिया किताबों चो आला जिन्हां शहरां दे अंदर जिबरील कुरान लाके आउंदे गए और शहर सारे शहरों चो आला जिस मुस्तफा ते अल्लाह ने इस अजीम चिट्ठी नो नादल फरमाया और नबी सारे नबियां चो आला। जेड़ा फरिश्ता जिबरील कुरान लैके आउंदा गया सारे फरिश्तियां चो आला और जिस महीने दे अंदर अल्लाह ने इस चिट्ठी नो नादल फरमाया ओ महीना सारे महीनियां चो आला। जिस रात अंदर अल्लाह ने कुरान नादल फरमाया और रात सारिया रातों चो आला और जिस उम्मत अल्लाह ने एहसान फरमाया ओ उम्मत सारिया उम्मतों चो आला। जेड़ा बंदा इस कुरान नो पढ़दा कुरान नो पढ़ांदा बोलो और सब तो और बोलो तो सही सब तो आला। जदों कुरान सुनिया जाए बहार पैदा होनी चाहिए। जोर लगा के कहना है सुभान अल्लाह। की कहना है मैं तो आनू आ रही लाना है अजे समझाना ही है। खिताब इंशाअल्लाह बाद दे अंदर होंगे। और जदों सरकार दा नाम आए कोई गल खैर जदों सरकार दा नाम आए ते पाक पैगंबर ते दरूदे पाक पढ़ना ए दो चीज़ों का तुसा ख्याल करना है। बाकी इंशाअल्लाह मैं तो आड़ा ख्याल करांगा। जनाब मोहम्मद सुभान अल्लाह बहुत बड़ी बात है। और बंदा लानती है बेईमान है कंजूस है जेड़ा सरकार दा नाम सुन के मेरे मुस्तफा ते दरूद पाक ना पढ़े। किताब सारिया किताबां चो आला और कुरान सुने आजे रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान कर दा। अल्लाह फरमांदे में ए मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी सोने महबूबा ए रब्बुल आलमीन दा कलाम जेड़ा कितना आला ते कितना बुलंदो बाला। उतारने वाली जात अल्लाह दी सारिया जातों चो अफजल ते आला। फरमाया अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ते कुरान सारिया किताबां चो अफजल ते आला है। तौरात भी ते अल्लाह ने आसमान तो नादल फरमाई। इंजील भी अल्लाह ने आसमान तो नादल फरमाई। ज़बूर और सहीफात भी अल्लाह दुल जलाल ने आसमान तो नादल फरमाए। पर इन्हां सारिया किताबां चो अल्लाह अब्दुल जलाल दा कुरान सारिया किताबां चों अफजल ते आला है। अल्लाह फरमांदे ने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। पता ए लगा कुरान सारिया किताबां चो अफजल ते आला है। ते जेड़ा फरिश्ता कुरान लेके आंदा गया ओ फरिश्ता सारे फरिश्तियां चो अफजल ते आला है। फरमाया नज़ला बिहिर रूहुल अमीन। और जेड़े महीने अंदर अल्लाह दुल जलाल ने कुरान नादल फरमाया कुरान दी बरकत ना महीना भी सारे महीने चो अफजल ते आला है। अल्लाह फरमांदे ने शहर रमजान लजी उनज़िला फीहिल कुरान। जिस नबी ते अल्लाह ने अजीम चिट्ठी नो नादल फरमाया ओ नबी सारे नबियां चो अफजल ते आला है। आदम भी ते अल्लाह दे नबी ने है, नूह भी ते रब दे नबी ने है, मूसा कलीमुल्ला भी ते अल्लाह दे नबी ने है, इब्राहीम खलीलुल्ला भी ते रब दे नबी ने है, अय्यूब यकूब भी ते अल्लाह दे नबी ने। पर इन्हां सारे नबियां विच मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियां चो आला है। लोगों कुरान की बरकत न और नबी किन्नी अजमतां वाला जिदी अजमत का तस्करा कुरान ने फरमाया। अज मैं कुरान की गल करनी है। अल्लाह का कुरान ही कसरत ना पढ़ के जाना है। ओ नबी कौन है जिदा तज़किरा कुरान ने फरमाया। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल मुज़म्मिल कुम इल्लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कितनी आवाज आती है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर वरब्बक फ़कब्बिर। मैं कुरान पढ़ी जाना तुसी इधर मुंह चुकया इधर चुकया। ओ कुरान दी महफिल च बैठना सीखो। असा कोई असा कोई वोट मंगन नहीं आए, सपोर्ट का ऐलान नहीं करना है। मेहमाना ने गिरामी तशरीफ फरमाने अल्लाह इन्ह का आना अपनी रहमत ना कबूल फरमाए। भाई अब्दुल रज़ाक साहब के जिन्हों के बेटे साइम ने अल्लाह का कुरान मालिक की रहमत ना ज़बानी याद किया। अल्लाह इस बरखुरदार बच्चे दे अल्लाह इलम अमल अंदर बरकत आ फरमा दे। अल्लाह इस बच्चे नूं जवानी अमान ना नसीब फरमा दे। एदे अबू जी नू सेहत वाली लम्मी जिंदगी अता फरमा दे। जिस नबी ते हुण गौर करिया जे जिस नबी ते अल्लाह दा कुरान नादल होया ते ओ नबी दा तज़किरा कुरान ने फरमाया। और सरकार दे गुलामो मेरे मुस्तफा दा तज़किरा अल्लाह दा कुरान करदा। अल्लाह फरमांदे ने वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युं युहा। कितनी आवाज आती है वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। जिस हस्ती ते रब ने कुरान नादल फरमाया उस हस्ती का तज़किरा करना चाहना। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन नबिय्य इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। और उस हस्ती का तस्करा मैं किया ना ते साहबे दिल बड़ी प्यारी गल कर दे। आओ तुसी भी आंदे हो सरकार ना मुहब्बत है, मैं भी आका ना मुहब्बत का दावा करना वा। और नबी कौन है? मैं आना तनवार देवा मैं मनवार देवा और तनवार देवा मैं मनवार देवा। मदीने दे चन तो मैं चनवार देवा ओ मैं तनवार देवा मनवार देवा। मदीने दे चन तो मैं चनवार देवा मैं औलाद ते पैना परिवार देवा। सने बीबिया बाप माईवार देवा मैं सरदार जग तो और जगवार देवा। ओदी जुती उतो मैं पगवार देवा। मेरे आका किनिया शाना लैके आए। अगर सरकार दी सीरत दा तस्करा किया जाए वक्त बहुत दरकार है। अज महफल कुरान दी महफल है, अज महफल अल्लाह दे कुरान नाल प्यार वाली महफल है। मैं कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ते रब ने कुरान नादल फरमाया ते मेरे आका सारे नबियां चो अफजल ते आला ने, मेरे पाक पैगंबर सब तो आला ने। मैं कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलात व सलाम ते रब ने कुरान जो नादल फरमाया अजे नहीं समझे। जिस उम्मते अल्लाह ने अजीम चिट्ठी नो नादल फरमाया अजीम शान फरमाया और सारिया उम्मतां चो अफजल ते आला उम्मत है। नूह दी भी ते उम्मत है, इब्राहीम दी भी ते उम्मत है, इस्माइल दी भी ते उम्मत है, जनाब अय्यूब यकूब दी भी उम्मत है। पर सारी उम्मतां दे विच अल्लाह ने उम्मत नु शान दिता ते उम्मत मुहम्मद नु शान अता फरमाया। और किन्ना शान दिता कुरान सुन लो। अल्लाह फरमाते ने कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफी और वाले इर्द गिर्द आने वाले कुरान सुन्नत या परवाने मत वाले वेग अल्लाह की रहमत ना कुरान नादल करने वाली जात सारिया जातां चो आला है। जेड़ा फरिश्ता कुरान लेके आया ओ फरिश्ता सारे फरिश्तियां चो आला है। जेड़ी किताब अल्लाह ने कुरान नादल फरमाई है ओ किताब सारिया किताबां चो आला है। जिस हस्ती ते रब ने कुरान नादल फरमाया ओ हस्ती सारिया हस्तियां तो आला है। जिस उम्मत अल्लाह ने कुरान जासी असीब बुरहान जो एहसान फरमाया है और सारिया उम्मत चो अफजल तयाल है। और कितनी प्यारी उम्मत है मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने उम्मत का नक्शा भी खिंचना चाहना। फरमाया कयामत का दिन होएगा अल्लाह दुल जलाल के दरबार के अंदर लोग मारे मारे फिर रहे होंगे। आज अल्लाह के सामने साडा कोई पुरसान हाल बन जाए लोग कट्ठे हो के नबी नू को जाएंगे जवाब मिल जाएगा, नबी इब्राहिम को जाएंगे जवाब मिल जाएगा, नबी इस्माइल को जाएंगे जवाब मिल जाएगा, नबी सकरिया को जाएंगे जवाब मिल जाएगा, नबी ईसा को जाएंगे जवाब मिल जाएगा। सारे नबी की आखणगे आज रब के दरबार के अंदर कम आना है। आमिना ते लाल मोहम्मद करीम ने कम आना है। इंज लोग दौड़े दौड़े मेरे मुस्तफा को जाएंगे। अल्लाह दे नबी जी आज रब दे सामने साड़ी सिफारिश कर दे हो। सरकार फरमाते ने मैं अल्लाह दे सामने 3 दिन सजदे विच पैरिया होवांगा। एक रवायत अंदर आउंदा है आका 7 दिन सजदे विच पैरे होणगे। रवायत अंदर आउंदा मेरे आका 9 दिन का सजदा फरमानगे। हुन रब फरमानगे इरफा रासकी सल तो महबूबा अपना सर मुबारक ते चुक अपनिया नगावां ते उतानो कर। मेरे आका फरमांदे ने मैं रब दियां तारीफां कर रहा होवांगा अल्लाह दे सामने सजदा रेद पिया होवांगा। हुन रब फरमानगे महबूबा सर ते चुक अल्लाह दे नबी फरमाइश ते कोई सुटो ते मेरे आका नू पूछया जाएगा सोनिया की चाहते हो किवें राजी होना चाहते हो। ते मेरे आका फरमांदे ने अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा हाउलाई उम्मती अल्लाह मेरी उम्मत नू माफ कर दे मेरी उम्मत का मामला साफ कर दे। ते मेरे आका फरमानगे रब्बुल आलमीन फरमानगे मेरे महबूबा अपनी उम्मत वास्ते परेशान ना हो। तू जिमें आखेंगा मैं रब उंजी मान के वखा देंगा। ते उम्मत नू कोई फिकर नहीं। दीन जांदा ते जाए इस्लाम जांदा ते जाए। खुदा दी कसमें मेरे आका दी हदीस याद आई। आप फरमांदे ने मैं रब दे सामने सामने खड़ा होवांगा। उम्मत आउणगियां कौन आउणगे ओ बोलो की आउणगे उम्मत आउणगियां। ते मेरे आका फरमांदे ने माशाल्लाह मेरी जमात के अजीम मुबल्लिग खतीब इस्लाम खतीब पाकिस्तान जमात दी और दुशाहबाब के इलाके दी मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना कारी अब्दुल रज़ाक ताहिर साहब हफिज़हुल्लाह अल्लाह मेरे वीर नू सेहत वाली लम्मी जिंदगी अता फरमा दे। मेरे भाइयों उलमा आ रहे ने इख्तिसार ना इन्हां दियां ज़ियारतां करो। फकीर गुनाहगार तालिब इल्म मुसाफर तो अल्लाह दा कुरान ते मुस्तफा दा फरमान सुनो। मैं दस रहा सन कि उम्मतां आउणगियां ते मेरे आका फरमांदे ने अचानक मैं वेखांगा लोग आ रहे होंगे। मैं आखांगा मेरी उम्मत ते दसिया जाएगा ए सोने तुहाडी उम्मत नहीं ए नबी मूसा दी उम्मत है। ते मेरे आका फरमांदे ने मैं और वेखांगा इस नालों ज्यादा लोग आउणगे पूछया जाएगा की दी उम्मत है। फरमाया महबूबा तुहाडी उम्मत है। ते मेरे आका फरमांदे ने ए जेड़ी मेरी उम्मत है एदे अगे अगे जेरे आ रहे होणगे इन्हां चों 70,000 ऐसे ने कि जिन्होंने अल्लाह बगैर हिसाब दे अपने जन्नत दा दाखला अता फरमा देंगे। ते मेरे आका सलाम न जदों दसिया गया सरकार जेड़े अगे अगे ने इन्हां विचों ओह ने कि जिन्हां विचों 70,000 ऐसे ने मैं अल्लाह उन्हां नूं बगैर हिसाब तो जन्नत अता करांगा। मेरे आका दा इक गुलाम खड़ा हुंदा हुजूर मेरे वास्ते दुआ कर दियो अल्लाह उन्हां अंदर सानू भी शामिल फरमा लै आमीन उची कह दियो। ते मेरे आका फरमाते ने हाँ तू भी उन्हां विचों होवेंगा। एक होर मेरे आका दा गुलाम खड़ा हुंदा फरमाया ए मेरे प्यारे साथी है ए ओ काशाबाजी ला गया। ते मेरे आका फरमाते ने मैं रब दी तस्बीह कर रहा होवांगा अल्लाह दी हमद सना कर रहा होवांगा। अल्लाह तू आख्या 70,000 जेड़े ने बगैर हिसाब रब दे जन्नत दे अंदर जाणगे। ते मैं अल्लाह सोनिया मैं तेरे अगे दरखात करना वा अल्लाह मैं तेरी मिन्नत समायत करना वा अल्लाह उम्मत बहुती है ते कोटा बड़ा थोड़ा है। सहाबा बयान करते ने ए अल्लाह दे नबी जी फिर रब ने अल्लाह की रहमत ना एहसान की फरमाया। अल्लाह फरमाते ने महबूबा अगे सिर्फ 70,000 सन हुण 1,000 ना 70,000 बगैर हिसाब ते जन्नत दा दाखला अता कर देंगा। फरमाया मैं जावांगा मेरे पीछे लोग होंगे। आका फरमाते ने मैं ते मेरी उम्मत सब तो बाद अंदर आया रब दे जन्नत दे अंदर सब तो पहले दाखिल होवांगे। और मेरे आका फरमाते ने कफियत की होएगी नबी हाल कोई कदम ला हिलावे नबी हाल कोई कदम ना हिलावे मेरा आका पहले बहिस्तान जावे ते दरबान जन्नत ए अरसान सुनावे। मेरे मौला मैनू हुक्म सी सुनाया ना खोली जदों तक मुहम्मद ना आया। फरमाया मैं रब दे जन्नत दा दरवाजा खटखटावांगा ते जन्नत दा दरमान आखेगा मन अंता कौन। सरकार फरमानगे आना मुहम्मद मैं मोहम्मद मैं मोहम्मद आमिनांदा जाए जल्दी दरवाजा जन्नत खोलो मैं उम्मत बार ले आया। गल मैं इख्तिताम की तरफे लाके जावा मैं आखिया जिस उम्मत अल्लाह ने चिट्ठी नादल फरमाई ओ उम्मत सारिया उम्मतां चो आल है। जिस रात कुरान अल्लाह ने नादल फरमाया और रात सारिया रातां चो आल है। जिस बंदे ने कुरान ना मुहब्बत फरमाई जिस नबी दे उम्मती ने कुरान याद फरमाया और सारी सारिया लोगां चो अफजल ते आला है। और गल मैं मुकानी चाहना वा कयामत दा दिन होएगा रब दा दरबार लग्या होएगा इंज हाफिज़े कुरान जेड़ा अल्लाह दुल जलाल दे सामने आएगा रब्बुल आलमीन दे सामने आके अपने रब ना हम कलाम होएगा। ते मेरे आका फरमाते ने हाफिज़े कुरान नो रब ऐलान फरमाएंगे एहसास वेख लो कितना आला है मुकद्दर सतारा कितना आला है और किस्मता वाला साइम बच्चा है किसी दा भतीजा भी लगदा है किसी दा बेटा भी लगदा है किसी दा भांजा भी लगदा है किसी दा भाई भी लगदा है। रब फरमाएंगे ओ कुरान दुनिया ते पढ़ने वाले आज पढ़दा जा ते जन्नत दियां सीढ़ियां चढ़दा जा जिथे कुरान दी आखिरी आयात होएगी मैं रब उते तेरा जन्नत विच महल बना देंगा। फरमाया इकरा वारता के वारतिल कमा कुन तोरतिल फिर दुनिया गल एक डेढ़ मिनट दिए उलमा कसीर तादाद अंदर अल्लाह की रहमत न तशरीफ फरमाने होई कुरान जेड़ा इस खानदान दे 10 बंदियां दी सिफारिश करेगा। हाफिज़े कुरान नू आखिया जाएगा एक ते वालिदैन नू ताज पहनाया जाने ने और एक अल्लाह जुल जलाल फरमाएंगे हाफिज़े कुरान अपने खानदान दे 10 बंदे जेड़े जहन्नम दे अंदर जा चुके ने तू उन्हां दी सिफारिश कर मैं तेरी सिफारिश मन के जहन्नम तो कढ के ते रब दे जन्नतां दे राह पा देआंगा। और कुरान दे हाफत बनाओ अपनी औलादा नो कुरान ना लगाओ ना दे लाओ अपनी औलादा दे ते पता कुरान आखेगा रब दे दरबार दे अंदर खूबसूरत सोहनी शक्ल लेके आएगा ते अल्लाह दे सामने की आखेगा। फरमाते ने वेखो नी सईयो एक अरबी जवान नी हस हस गल्ला करदा नाल रहमान नी वेखो नी सईयो एक अरबी जवान नी हस हस गल्ला करदा नाल रहमान नी नाले पिया दसे अपना पता निशान कान ला सुनिए लोगों केड़ा ए माहिया चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नो आईया। कुरान है तेरा तारव की है ते कुरान आखेगा आखदाई रब ताई पाक कलाम जी तेरी मैं चिट्ठी मेरा नाम कुरान जी हाथ जिबरील कल्या जो चिट्ठी रसान जी फैली दो जागे अंदर जिस दी रोशनाइया ते पता की आखेगा मैं हाजर दरबार होया ए अर्जा सुनान नू करके सिफारिश अपने साथी बख्शानू। अल्लाह फरमाते ने लऊ अनसलना हाजल कुरान अला जबलिल रायतहू खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसाल नजर बोहा लिन्नासी लअल्लाहुम यतफक्करू। अल्लाह कुरान नाल साहबे कुरान नाल जान नालों ज्यादा जहान नालों ज्यादा अल्लाह मोहब्बत प्यार करने की तौफीक नसीब फरमाए। बरखुरदार बेटा साइम के जिने कुरान पाक अपने सीने अंदर महफूज किया। साढ़े इंज की उम्र के बच्चों नूं इंडिया के सारे गाने आते हैं, सारे चैनल आते, सारे ड्रामे फिल्मा याद ने। ए मासूम बच्चा भाई अब्दुल रज़ाक साहब मैं मुबारकबाद देंगा इन्हां दे वालिदे गिरामी और इन्हां दी वालिदा मुहतरमा। और आखिर ते मैं दुआ करांगा मेरे बड़े ही काबिल साद एहतराम मुहतरमुल मुकाम भाई अब्दुल करीम जट साहब कल इन्हां दे वालिदे मुहतरम अल्लाह पाक कोल जा चुके ने। अल्लाह पाक मेरे वीर नूं सब्र जमील अता फरमाए और बुजुर्गों की कबर नूं अल्लाह जन्नत दा बाग बगीचा बनाए। इसी तरह मेरे नाल तशरीफ लाके आने वाले भाई मोहम्मद नौमान गुज्जर साहिब उन्हां दे वालिद मुहतरम अल्लाह उन्हां नूं भी करवट करवट जन्नत अंदर आला मुकाम नसीब फरमाए। उन्हां दी अहलिया अल्लाह पाक सेहत ईमान वाली लम्मी जिंदगी अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह मेरे शेख ताहिर साहब तशरीफ फरमाने। अल्लाह दे हुजूर दुआ है कि रब्बुल आलमीन उलमाए किराम दा आना सफर फरमाना अपनी बारगाहे आलिया दे अंदर मकबूल और मंजूर फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।